ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है समाने की शक्ति, पार्ट वन, अव्यक्तवाणी, 5 अप्रैल 70। अभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। पहले भी सुनाया था ना कि समाना और समेटना है। जिसको समेटना आता है उनको समाना भी आता है। बीच में कौन सी शक्ति है वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की? तो अब क्या पुरुषार्थ करना है? बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का, अर्थात अपने विस्तार को समाने का। समेटना और समाना यह जादूगरी का काम है। जादूगर लोग कोई भी चीज़ को समेटकर भी दिखाते, समाकर भी दिखाते। इतनी बड़ी चीज़ छोटी में भी समाकर दिखाते। यही जादूगरी सीखनी है। प्रैक्टिस यह करो, विस्तार में जाते फिर वहाँ ही समाने का पुरुषार्थ करो। जिस समय देखो कि बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है उस समय यह अभ्यास करो। इतने विस्तार को समा सकते हो तब आप बाप के समान बनेंगे। अव्यक्तवाणी 14 मई 70। एकता होने का साधन है दो बातें लानी पड़े। एक तो एक नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना है। इकोनॉमी कौन सी? संकल्पों की भी इकोनॉमी चाहिए और समय की भी और ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी चाहिए। सभी प्रकार की इकोनॉमी जब सीख जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। एक में समाने की शक्ति चाहिए। समझा? यह पुरुषार्थ अगर कम है तो इतना ही इसको ज़्यादा करना है। कोई भी कार्य होता है उसमें कोई भी अपनापन ना हो, एक ही नाम हो तो फिर क्या होगा? बाबा बाबा कहने से माया भाग जाती है, मैं कहने से माया मार देती है। इसलिए पहले भी सुनाया था कि हर बात में भाषा को बदली करो। बाबा बाबा की ढाल सदैव अपने साथ रखो। इस ढाल से फिर जो भी विघ्न है वह खत्म हो जाएंगे। साथ साथ इकोनॉमी करने से व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और ना व्यर्थ संकल्पों का टक्कर होगा। यह है स्पष्टीकरण। अव्यक्तवाणी 30 जुलाई 70। माला के मणके कौन सी विशेषता से बनते हैं? मणकों की विशेषता यही है जो एकमत होकर एक ही धागे में पिरोए जाते हैं। एक की ही लगन, एक रस स्थिति और एकमत, तो सब एक ही एक। एक जैसे मणके हैं तो एक धागे में पिरोए जाते हैं ना, तो एक ही मत पर चलने वाले और आपस में भी एक मत हों। संकल्प भी एक से, दो मत होती है तो वह दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते हैं। एक मत के लिए ऐसा वातावरण बनाना है। वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। मानो कोई बात में भिन्नता हो जाती है क्योंकि
यथा योग्य यथा शक्ति तो है ना, तो उस भिन्नता को समाओ, समाने की शक्ति चाहिए, तो ऐसी आपस में एकता से ही समीप आएंगे। अव्यक्तवाणी 2 अप्रैल 1772। सर्व को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य बात अपने में सहन करने की व समाने की शक्ति होनी चाहिए। असंतुष्टता का कारण यह होता है जो कोई की वाणी व संस्कार व कर्म देखते हो वो अपने विवेक से यथार्थ नहीं लगता है, इसी कारण ऐसा बोल व कर्म हो जाता है जिससे दूसरी आत्मा असंतुष्ट हो जाती है। कोई का भी कोई संस्कार व शब्द व कर्म देख आप समझते हो यह यथार्थ नहीं है व नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर उस समय समाने की व सहन करने की शक्तियां धारण करो तो आपकी सहन शक्ति व समाने की शक्ति ऑटोमेटिकली उसको अपने अयथार्थ चलन का साक्षात्कार कराएगी। लेकिन होता क्या है, वाणी द्वारा व नैन चैन द्वारा उसको महसूस कराने व साक्षात्कार कराने लिए आप लोग भी अपने संस्कारों के वश हो जाते हो, इस कारण ना स्वयं संतुष्ट ना दूसरा संतुष्ट होता है। उसी समय अगर समाने की शक्ति हो तो उसके आधार से व सहन करने की शक्ति के आधार से उनके कर्म व संस्कार को थोड़े समय के लिए अवॉइड कर लो तो आपकी सहन शक्ति व समाने की शक्ति उस आत्मा के ऊपर संतुष्टता का बाण लगा सकती है। यह ना होने कारण असंतुष्टता होती है, तो सभी के संपर्क में सर्व को संतुष्ट करने व संतुष्ट रहने के लिए यह दो गुण व दो शक्तियाँ बहुत आवश्यक हैं। अव्यक्तवाणी 10 मई 1772। अगर अभी अभी कमाया और खाया तो भविष्य में क्या बनेगा, अभी अभी कमाया और अभी अभी बांटा नहीं, खाने बाद समाना भी चाहिए फिर बांटना चाहिए। कमाया और बांट दिया तो अपने में शक्ति नहीं रहती, सिर्फ खुशी होती है, जो मिला सो बांटा, दान करने की खुशी रहती है लेकिन उसको स्वयं में समाने की शक्ति नहीं रहती। खुशी के साथ शक्ति भी चाहिए, शक्ति ना होने कारण निर्विघ्न नहीं हो सकते, विघ्नों को पार नहीं कर सकते, छोटे छोटे विघ्न लगन को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए समाने की शक्ति धारण करनी चाहिए। जैसे खुशी की झलक सूरत में दिखाई देती है वैसे शक्ति की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। सरल चित्त बहुत बनो, लेकिन जितना सरल चित्त हो उतना ही सहनशील हो, कि सहनशीलता भी सरलता है, सरलता के साथ समाने की सहन करने की शक्ति भी चाहिए। अगर समाने और सहन करने की शक्ति नहीं तो सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेती और कहाँ कहाँ भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है, तो ऐसा सरल चित्त भी नहीं बनना है।
बाप को भी भोलानाथ कहते हैं ना, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना ना कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी तो है ना, सिर्फ भोलानाथ नहीं है। यहाँ शक्ति स्वरूप भूल सिर्फ भोले बन जाते हैं तो माया का गोला लग जाता है। अव्यक्तवाणी 20 मई 72। जैसे विस्तार और वाणी में सहज ही आ जाते हो, वैसे ही वाणी से परे विस्तार के बजाय सार में स्थित हो सकते हो। हद के जादूगर विस्तार को समाने की शक्ति दिखाते हैं, तो आप बेहद के जादूगर विस्तार को नहीं समा सकते हो। कोई भी आत्मा सामने आवे, साप्ताहिक कोर्स 1 सेकंड में किसको दे सकते हो? अर्थात साप्ताहिक कोर्स से जो भी आत्माओं में आत्मिक शक्ति व संबंध की शक्ति भरने चाहते हो, वह 1 सेकंड में कोई भी आत्मा में भर सकते हो। वह यह अंतिम स्टेज है। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होने से ही 1 सेकंड में स्वयं का साक्षात्कार कर लेते हैं, वैसे आपके आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो क्या 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं? जब साइंस ने भी अनेक कार्य 1 सेकंड में सिद्ध कर दिखाए हैं, सिर्फ स्विच ऑन और ऑफ करने की देरी होती है, तो यहाँ वह स्थिति क्यों नहीं बन पाती? मुख्य कौन सा कारण है? कोई भी बात देखते व सुनते हो तो बुद्धि को बहुत समय की आदत होने कारण विस्तार में जाने की कोशिश करते हो। जो भी देखा व सुना उसके सार को जानकर और 1 सेकंड में समा देने का व परिवर्तन करने का अभ्यास कम है। क्यों क्या के विस्तार में ना चाहते भी चले जाते हो? इसलिए जैसे बीज में शक्ति अधिक होती है, वृक्ष में कम होती है। वृक्ष अर्थात विस्तार, कोई भी चीज़ का विस्तार होगा तो शक्ति का भी विस्तार हो जाता। जैसे सैक्रीन और वैसे मिठास में फर्क होता है ना, वह अधिक क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। सैक्रीन कम अंदाज में मिठास ज़्यादा देगी। इस रीति से कोई भी बात के विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती हैं। व्यर्थ जाने के कारण वह शक्ति नहीं रहती। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा यह अभ्यास करो। कोई भी बात के विस्तार को समाकर सार में स्थित रह सकते हो। ऐसा अभ्यास करते करते स्वयं सार रूप बनने के कारण अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। अनुभवी मूर्त ही अन्य को अनुभव करा सकते हैं। इस बात के स्वयं ही अनुभवी कम हो, इस कारण अन्य आत्माओं को अनुभव नहीं करा सकते हो। जैसे कोई भी पावरफुल चीज़ में व पावरफुल साधनों में कोई भी चीज़ को परिवर्तन करने की शक्ति होती है, जैसे अग्नि बहुत तेज अर्थात पावरफुल होगी तो उसमें कोई भी चीज़ डालेंगे तो स्वतः ही रूप परिवर्तन में आ जाएगा।
अगर अग्नि पावरफुल नहीं है तो कोई भी वस्तु के रूप को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सदैव अपने पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो तो कोई भी बातें जो व्यक्त भाव व व्यक्त दुनिया की वस्तुएं हैं व व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्ति हैं आपके सामने आएंगे तो आपके पावरफुल स्टेज के कारण उन्हों की स्थिति व रूपरेखा परिवर्तन हो जाएगी। व्यक्त भाव वाले का व्यक्त भाव बदल कर आत्मिक स्थिति बन जाएगी। व्यर्थ बात परिवर्तन होते समर्थ रूप धारण कर लेगी। विकल्प शब्द शुद्ध संकल्प का रूप धारण कर लेगा। लेकिन ऐसा परिवर्तन तब होगा जब ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित हो। कोई भी लौकिकता अलौकिकता में परिवर्तित हो जाएगी। साधारण असाधारण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले कोई भी व्यक्ति वा वैभव वा वायुमंडल वाइब्रेशन वृत्ति दृष्टि के वश में नहीं हो सकते हैं। तो अब समझा क्या कारण है? एक तो समाने की शक्ति कम और दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति कम, अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस दोनों स्थिति में स्थित सदाकाल नहीं रहते हो। अव्यक्तवाणी 13 अप्रैल 73। सर्व आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो और कोई भी वंचित ना रहे, इसके लिए इतनी पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों को अभी से अपने में जमा करेंगे, तब ही इन जमा की हुई शक्तियों से किसी को समाने की शक्ति और किसी को सहन करने की शक्ति दे सकेंगे। अर्थात जिसको जो आवश्यकता होगी वही उसको दे सकेंगे। अव्यक्तवाणी 20 सितंबर 75। जैसे बाप सर्व गुणों के सागर हैं, क्या आप भी वैसे ही अपने को मास्टर सागर समझते हो? सागर अखंड अचल और अटल होता है। सागर की विशेष दो शक्तियाँ सदैव देखने में आएंगी। एक समाने की शक्ति, जितनी समाने की शक्ति है उतनी सामना करने की भी शक्ति है। लहरों द्वारा सामना भी करते हैं और हर वस्तु व व्यक्ति को स्वयं में समा भी लेते हैं। तो मास्टर सागर होने के कारण अपने में भी देखो कि यह दोनों शक्तियाँ मुझ में कहाँ तक आई हैं, अर्थात कितने परसेंटेज में हैं। क्या दोनों शक्तियों को समय प्रमाण यूज़ कर सकते हो? क्या शक्तियों द्वारा सफलता का अनुभव होता है? कई बच्चे सर्व शक्तियों का स्वयं में अनुभव भी करते हैं और समझते हैं कि मुझ में यह शक्तियाँ हैं, लेकिन शक्तियाँ होते हुए भी कहीं कहीं वे सफलता का अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप आनंद प्रेम सुख और शांति स्वरूप स्वयं को समझते हुए भी स्वयं से सदा संतुष्ट नहीं अथवा पुरुषार्थी होते हुए भी प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति का प्रत्यक्ष फल के रूप में जो अनुभव होना चाहिए वह कभी कभी ही कर सकते हैं। सर्व नियमों का पालन भी करते हैं फिर भी स्वयं को सदा हर्षित अनुभव नहीं करते।
मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल का अनुभव कम करते हैं। माया को दासी भी बनाते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी उदासी महसूस करते हैं। इसका कारण क्या है? शक्तियाँ भी हैं, साथ साथ ज्ञान भी है, नियमों का पालन भी करते हैं। तब कमी किस बात में है कि स्वयं से ही कंफ्यूज रहते हैं? इसमें कमी यह है कि प्राप्त की हुई शक्ति को व ज्ञान की पॉइंट्स को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए उस समय उस रीति से यूज़ करना नहीं आता है। बाप से प्रीति है, ज्ञान से भी प्रीति है, दिव्य गुण संपन्न जीवन से भी प्रीति है, लेकिन प्रीति के साथ साथ रीति नहीं आती है व रीति के साथ प्रीति नहीं आती। इसलिए अमूल्य वस्तु भी साधारण प्राप्ति का आधार बन जाती है। जैसे स्थूल में भी कितना ही बड़ा यंत्र व मूल्यवान वस्तु पास होते हुए भी यूज़ करने की रीति नहीं आती है तो उस द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही ज्ञानवान बच्चे भी ज्ञान और शक्तियों द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए नहीं कर पाते हैं। ऐसी आत्माओं के ऊपर बाप दादा को भी रहम आता है। अब वह रीति जो ना आने के कारण प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते वह रीति कैसे आए? इसमें चाहिए निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति ना होने के कारण जहाँ समाने की शक्ति यूज़ करनी चाहिए वहाँ सामना करने की शक्ति यूज़ कर लेते हैं। जहाँ समेटने की शक्ति यूज़ करनी चाहिए वहाँ विस्तार करने की शक्ति यूज़ कर लेते हैं। इसलिए संकल्प सफलता का होता है लेकिन स्वरूप में व प्राप्ति में संकल्प प्रमाण सफलता नहीं होती है। विशेष शक्ति की प्राप्ति का मुख्य आधार क्या है? निर्णय शक्ति को तेज करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? कोई भी यंत्र स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाता तो उसका कारण क्या होता है? निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी और निर्विकल्पता की चाहिए। अगर इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है तो यह श्रेष्ठ धारणा ना होने के कारण स्पष्टता नहीं होती है। श्रेष्ठ ही स्पष्ट होते हैं। यही उलझन बुद्धि को स्वच्छ नहीं बनने देती। स्वच्छता ही श्रेष्ठता है। इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ, तब ही बाप के समान सर्व गुणों में मास्टर सागर अनुभव कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 75। अपने संगठन को शक्तिशाली व एकमत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए कि जिससे संगठन पावरफुल और एकमत हो जाए और व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाए? इसके लिए एक तो फेथ और समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने जो कुछ किया मानो रॉन्ग भी किया लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया
उसका भी जरूर कोई भावार्थ होगा। संगठित रूप में जहाँ सर्विस है वहाँ उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने ना रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेत जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तब ही सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं बल्कि उसे समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेत हो, स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें ज़रूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। यह दोनों प्रकार के फेथ रख कर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज़्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है, बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली ना करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट ना करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हैं इससे ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है। और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में एकरस स्थिति हो नहीं सकती। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ, जैसे आत्मज्ञानियों के सिद्धि का गायन है वैसे आप सबके संगठन का एक ही संकल्प हो। एक संकल्प की शक्ति संगठित रूप में ना होने के कारण बिगड़े हुए हैं। जैसे बिगड़ी हुई शक्ति है वैसे रिजल्ट भी बिगड़ा हुआ है। इसमें समाने की शक्ति ज़रूर चाहिए। देखा और सुना उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। अल्पकाल वालों को सिद्धि प्राप्त होती है
और सदाकाल स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त ना हो, यह हो नहीं सकता। तो यह संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है, वो सामना करने की शक्ति माया के आगे यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। अव्यक्तवाणी 5 जनवरी 77। बाप दादा ने एक ही शब्द याद दिलाया है, वो कौन सा शब्द? एक ही शब्द है, पास होना है, पास रहना है। और जो कुछ बीत जाता है वह पास हो गया। एक शब्द के 3 अर्थ हैं। ये ही छोटा रास्ता हो जाएगा और पास विद ऑनर, सम्मान पूर्वक सफलता पाना होना है। लेकिन इस अर्थ में स्थित होने के लिए सदैव बाप समान समाने की शक्ति और बाप समान बनाने की शक्ति दोनों भरने की आवश्यकता है। क्योंकि बाप समान बनने के लिए जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं। उन बातों को समाने की शक्ति के आधार से मास्टर सागर बन जाते हो और औरों को भी बाप समान बना सकते हो। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ ना हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाएं जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए 1 सेकंड में उस अवगुण को गुण में बदल दें, नुकसान को फायदे में बदल दें, निंदा को स्तुति में बदल दें। ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। विश्व कल्याणकारी ही नहीं लेकिन स्वयं कल्याणकारी भी बने, ऐसी स्टेज बाप समान कही जाती है। अव्यक्तवाणी 23 अप्रैल 77। बाप दादा सभी बच्चों को सब खजानों से संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं। एक ही सर्व अधिकार देने वाला एक ही समय सभी को समान अधिकार देते हैं, अलग अलग नहीं देते हैं। किसको गुप्त विशेष खजाना अलग नहीं देते हैं, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार ही बनते हैं। सर्व खजानों के अधिकार होते भी, देने वाला सागर और संपन्न होते हुए भी नंबर क्यों बनते हैं? क्या कारण बनता है? समाने की शक्ति अपनी परसेंटेज में है, इस कारण सभी 100% नहीं बन पाते, अर्थात सर्व बाप समान नहीं बन सकते। संकल्प सभी का है लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। हर एक को अपने खजाने की परसेंटेज चेक करनी चाहिए कि सभी से ज़्यादा कौन सा खजाना है
जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजानों में भी कमी हो जाती है, और वह खजाना मेजॉरिटी व्यर्थ करते हैं। वह कौन सा खजाना है? वह है समय का खजाना। मगर समय के खजाने को सदा स्वयं के व सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो, तो अन्य सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाएं। संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कर सकते हो। सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से महादानी बनने के आधार से एक का पद्म गुणा सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। एक देना दस पाना नहीं, लेकिन एक देना पद्म पाना। अव्यक्तवाणी 30 जून 77। इसी एक जन्म में अनेक जन्मों का जमा करते हो। इतना जमा किया है जो 21 जन्म वह प्रलब्ध भोगते रहो। इतना जमा किया है जो भिखारी आत्माओं को महादानी बन दान कर सको। सदा स्टॉक को चेक करो, स्टॉक में सर्व शक्तियाँ चाहिए। ऐसे नहीं समाने की शक्ति है, सहन शक्ति नहीं तो हर्जा नहीं। लेकिन फाइनल पेपर में क्वेश्चन वही आएगा जिस शक्ति की कमी है। ऐसे कभी नहीं सोचना 6 नहीं 2 तो हैं, धारण नहीं है, सर्विस तो है ही, सर्विस नहीं है, योग तो है ही, लेकिन सब चाहिए। जैसे बाप में सब है ना, ज्ञान शक्ति गुण, तो फॉलो फादर करना है। सदा स्वचिंतन में अपने स्टॉक को जमा करने में लगो। इसी समय को आगे चल करके बहुत याद करना पड़ेगा, तो पीछे यह ना सोचना पड़े, पश्चाताप नहीं करना पड़े। उसके लिए अभी से स्वचिंतन में लगो। सदैव अपने को हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ाने में लगे हो, हर गुण के अनुभव को आगे बढ़ाते जाओ। जितना आगे बढ़ाएंगे उतनी नवीनता का अनुभव करेंगे। अनुभवी मूर्त होने की रिसर्च करो तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे बाप सागर है वैसे मास्टर सागर बनो। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। अव्यक्तवाणी 29 मार्च 82। दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी परचिंतन के अवगुण के वशीभूत होना है। लेकिन यह समझते नहीं हो। दूसरे की कमजोरी वर्णन करना अपने समाने की शक्ति की कमजोरी जाहिर करना है। किसी भी आत्मा को सदा गुण मूर्त से देखो। अगर किसकी कोई कमजोरी है भी, मर्यादा के विपरीत कार्य है भी, तो बाप दादा की निमित्त बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट में लाओ। खुद ही वकील और जज नहीं बन जाओ। भाई भाई का नाता भूल वकील और जज नहीं बन जाओ। भाई भाई का नाता भूल वकील जज बन जाते हो, इसलिए भाई भाई की दृष्टि टिक नहीं सकती। केस दाखिल करने की मना नहीं है, लेकिन मिलावट और खयानत नहीं करो। जितना हो सके
शुभ भावना से इशारा दे दो, ना अपने मन में रखो और ना औरों को मन मनाभव होने में विघन रूप बनो। तो चतुराई का खेल क्या करते हैं, जिस बात को समाना चाहिए उसको फैलाते हैं और जिस बात को फैलाना चाहिए उसको समा देते हैं कि यह तो सब में है। तो सदा स्वयं को अशुद्धि से दूर रखो, मनसा में चाहे वाणी में, कर्म में वा संबंध संपर्क में अशुद्धि संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित बना देगी। समय बीत जाएगा, फिर पाना था इस लिस्ट में खड़ा होना पड़ेगा, प्राप्ति स्वरूप की लिस्ट में नहीं होंगे। सर्व खजानों के मालिक के बालक और अप्राप्त करने वालों की लिस्ट में हो, यह अच्छा लगेगा। इसलिए अपनी प्राप्ति में लग जाओ, शुभ चिंतक बनो, किसी भी प्रकार के विकारों के वशीभूत हो, अपनी उल्टी होशियारी नहीं दिखाओ। यह उल्टी होशियारी अब अल्पकाल के लिए अपने को खुश कर लेगी व ऐसे साथी भी आपकी होशियारी के गीत गाते रहेंगे, लेकिन कर्म की गति को भी स्मृति में रखो, उल्टी होशियारी उल्टा लटकाएगी। अभी अल्पकाल के लिए काम चलाने की होशियारी दिखाएंगे, इतना ही चलाने के बजाय चिल्लाना भी पड़ेगा। कई ऐसी होशियारी दिखाते हैं कि बाप दादा दीदी दादी को भी चला लेंगे। यह सब तरीके आते हैं। अल्पकाल की उल्टी प्राप्ति के लिए मना भी लिया, चला भी लिया, लेकिन पाया क्या और गंवाया क्या। 2-3 वर्ष नाम भी पा लिया, लेकिन अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ पद से नाम गंवा लिया। तो पाना हुआ या गंवाना हुआ। और चतुराई सुनावे, ऐसे समय पर फिर ज्ञान की पॉइंट यूज करते हैं कि अभी प्रत्यक्ष फल तो पालो, भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष फल अतींद्रिय सुख सदा का है, अल्पकाल का नहीं। कितना भी प्रत्यक्ष फल खाने का चैलेंज करें, लेकिन अल्पकाल के नाम से और खुशी के साथ साथ बीच में असंतुष्टता का कांटा फल के साथ जरूर खाते रहेंगे। मन की प्रसन्नता व संतुष्टता अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे गिरती कला की कलाबाजी नहीं करो। बाप दादा को ऐसी आत्माओं पर तरस होता है, बनने क्या आए और बन क्या रहे हैं। सदा यह लक्ष्य रखो कि जो कर्म कर रहा हूँ यह प्रभु पसंद कर्म है। बाप ने आपको पसंद किया तो बच्चों का काम है। हर कर्म बाप पसंद प्रभु पसंद करना। जैसे बाप गुण मालाएं गले में पहनते हैं, वैसे गुण माला पहनो, कंकड़ों की माला नहीं पहनो, रत्नों की पहनो। अव्यक्तवाणी 30 अप्रैल 82। विस्तार को बिंदी में समाओ। बाप दादा इस साकारी देह और दुनिया में आते हैं, सभी को इस देह और दुनिया से दूर ले जाने के लिए। दूर देशवासी सभी को दूर देश निवासी बनाने के लिए आते हैं। दूर देश में
यह देह नहीं चलेगी। पावन आत्मा अपने देश में बाप के साथ साथ चलेगी। तो चलने के लिए तैयार हो गए हो, वह अभी तक कुछ समेटने के लिए रह गया है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो तो विस्तार को समेट परिवर्तन करते हो, तो दूर देश व अपने स्वीट होम में जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। सर्व विस्तार को बिंदी में समाना पड़े, इतनी समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति धारण कर ली है। समय प्रमाण बाप दादा डायरेक्शन दे कि सेकंड में अब साथ चलो, तो सेकंड में विस्तार को समा सकेंगे। शरीर की प्रवृत्ति, लौकिक प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, अपने रहे हुए कमजोरी के संकल्प की और संस्कार प्रवृत्ति, सर्व प्रकार की प्रवृत्तियों से न्यारे और बाप के साथ चलने वाले प्यारे बन सकते हो। वह कोई प्रवृत्ति अपनी तरफ आकर्षित करेगी। सब तरफ से सर्व प्रवृत्तियों का किनारा छोड़ चुके हो, वह कोई भी किनारा अल्पकाल का सहारा बन बाप के सहारे व साथ से दूर कर देंगे। संकल्प किया कि जाना है, डायरेक्शन मिला, अब चलना है, तो डबल लाइट के उड़न आसन पर स्थित हो उड़ जाएंगे। ऐसी तैयारी है, वह सोचेंगे कि अभी यह करना है, वह करना है। समेटने की शक्ति अभी कार्य में ला सकते हो। वह मेरी सेवा, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरा लौकिक परिवार या लौकिक कार्य, यह विस्तार तो याद नहीं आएगा, यह संकल्प तो नहीं आएगा। जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो, ऐसे प्रकार के संकल्प अभी यह करना है फिर वापस जाएंगे, ऐसे ड्रामा के मुआफिक साथ चलने की सीट को पाने के अधिकार से वंचित तो नहीं रह जाएंगे। अभी तो खूब विस्तार में जा रहे हो, लेकिन विस्तार की निशानी क्या होती है? वृक्ष भी जब अति विस्तार को पा लेता तो विस्तार के बाद बीज में समा जाता है। तो अभी भी सेवा का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ना ही है, लेकिन जितना विस्तार वृद्धि को पा रहा है उतना विस्तार से न्यारे और साथ चलने वाले प्यारे, यह बात नहीं भूल जाना। कोई भी किनारे में लगाव की रस्सी ना रह जाए, किनारे की रस्सियाँ सदा छूटी हुई हों, अर्थात सबसे छुट्टी लेकर रखो। जैसे आजकल यहाँ पहले से ही अपना मरण मना लेते हैं ना, तो छुट्टी ले ली ना, ऐसे सब प्रवृत्तियों के बंधनों से पहले से ही विदाई ले लो, समाप्ति समारोह मना लो। उड़ती कला का उड़ान आसन सदा तैयार हो। जैसे आजकल के संसार में भी जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो वहाँ के राजा हो व प्रेसिडेंट हो, उन्हों के लिए पहले से ही देश से निकलने के साधन तैयार होते हैं। उस समय यह तैयार करो, यह ऑर्डर करने की भी मार्जिन नहीं होती। लड़ाई का इशारा मिला और भागा, नहीं तो क्या हो जाए? प्रेसिडेंट व राजा के बदले जेल बर्ड बन जाएगा। आजकल की निमित्त बनी हुई
अल्पकाल की अधिकारी आत्माएं भी पहले से अपनी तैयारी रखती हैं, तो आप कौन हो? इस संगम युग के हीरो पार्टधारी अर्थात विशेष आत्माएं, तो आप सबकी भी पहले से तैयारी चाहिए ना कि उस समय करेंगे? मार्जिन ही सेकंड की मिलनी है, फिर क्या करेंगे? सोचने की भी मार्जिन नहीं मिलनी है, करूं ना करूं, यह करूं वह करूं, ऐसे सोचने वाले साथी के बजाय बाराती बन जाएंगे। इसलिए अंतर्वाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत, ऐसी कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन, जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे। वाहन तैयार है? वह समय को गिनती कर रहे हो, अभी यह होना है, यह होना है, उसके बाद यह होगा, ऐसे तो नहीं सोचते हो? तैयारी सब करो, सेवा के साधन भी भल अपनाओ, नए नए प्लान भी भले बनाओ, लेकिन किनारों में रस्सी बांधकर छोड़ नहीं देना। प्रवृत्ति में आते कमल बनना भूल ना जाना, वापस जाने की तैयारी नहीं भूल जाना, सदा अपनी अंतिम स्थिति का वाहन, न्यारे और प्यारे बनने का श्रेष्ठ साधन, सेवा के साधनों में भूल नहीं जाना। खूब सेवा करो, लेकिन न्यारेपन की खूबी को नहीं छोड़ना। अभी इसी अभ्यास की आवश्यकता है। या तो बिल्कुल न्यारे हो जाते, या तो बिल्कुल प्यारे हो जाते। इसलिए न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखो। सेवा करो, लेकिन मेरेपन से न्यारे होकर करो। समझा क्या करना है? अब नई नई रस्सियां भी तैयार कर रहे हैं, पुरानी रस्सियां टूट रही हैं, समझते भी नई रस्सियां बांध रहे हैं, क्योंकि चमकीली रस्सियां हैं। तो इस वर्ष क्या करना है? बाप दादा साक्षी होकर के बच्चों का खेल देखते हैं, रस्सियों के बंधन की रेस में एक दूसरे बहुत आगे जा रहे हैं। इसलिए सदा विस्तार में जाते सार रूप में रहो। वर्तमान समय सेवा की रिजल्ट में क्वांटिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अब उस क्वांटिटी में क्वालिटीज भरो। क्वांटिटी की भी स्थापना के कार्य में आवश्यकता है, लेकिन वृक्ष के पत्तों का विस्तार हो और फल ना हो तो क्या पसंद करेंगे? पत्ते भी हो और फल भी हो, या सिर्फ पत्ते हो? पत्ते वृक्ष का श्रृंगार हैं और फल सदाकाल के जीवन का सोर्स है। इसलिए हर आत्मा को प्रत्यक्ष फल स्वरूप बनाओ, अर्थात विशेष गुणों के शक्तियों के अनुभवी मूर्त बनाओ। वृद्धि अच्छी है, लेकिन सदा विघ्न विनाशक शक्तिशाली आत्मा बनने की विधि सिखाने के लिए विशेष अटेंशन दो। वृद्धि के साथ साथ विधि सिखाने का, सिद्धि स्वरूप बनाने का भी विशेष अटेंशन। स्नेही सहयोगी तो यथाशक्ति बनने ही हैं, लेकिन शक्तिशाली आत्मा जो विघ्नों का, पुराने संस्कारों का सामना कर महावीर बन जाए, इस पर और विशेष अटेंशन। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, ऐसे वारिस क्वालिटी को बढ़ाओ।
सेवाधारी बहुत बने हो, लेकिन सर्वशक्तियोंधारी ऐसी विशेषता संपन्न आत्माओं को विश्व की स्टेज पर लाओ। ओम शांति।